वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट नरगिसिया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सेबों का मुरब्बा। तो सबसे पहले हमें एक पतीला चाहिए होगा और उसके अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। जी फ्रेंड, तो पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी इस पॉइंट पे हम 2 किलो साबुत सेब उसके इस तरह से छिलके उतार लेंगे, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे। जी फ्रेंड, तो 5 मिनट हमने पकाया है इसे मीडियम आंच पर। फोक की मदद से देखें ये कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 2 किलो चीनी ऐड कर देंगे। 2 किलो सेब लिए थे और उसके अंदर 2 किलो ही चीनी ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1/4 खाने का चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी दोबारा से इसे ढककर पकाएंगे। 10 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसमें 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच टाटरी डालेंगे। टाटरी हम प्रिजर्व करने के लिए डालेंगे, ये तकरीबन 1 साल तक हम रख सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढककर मजीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जी फ्रेंड, तो 5 मिनट पक चुका है। देखिए अभी इस पॉइंट पे हम इसकी आंच बंद कर देंगे और इसे गार्निश करके डिश आउट करेंगे। फ्रेंड, तो सेबों का मुरब्बा तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर कोई आपको क्यूरी है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना।